हे गाइस वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल टेकपोक पे। आपने एप्पल वॉच सीरीज एट अल्ट्रा की बहुत सारी कॉपीज देखी होंगी है ना, स्क्वायर डायल में खासकर देखी होंगी, बट कैसा हुआ आपको राउंड डायल में, सर्कुलर डायल में देखने को मिले गिजमोर की कल्ट और बहुत ही अंडररेटेड वॉच है मेरे ख्याल से। किसी ने भी इसका रिव्यू अनबॉक्सिंग नहीं किया यूट्यूब पे प्रॉपरली, अनबॉक्सिंग शायद मिल भी जाए आपको बट रिव्यू प्रॉपरली नहीं किया है, तो हम विस्तार से बात करने वाले हैं। मेरे पास रिव्यू यूनिट आ चुका है यहाँ पे गिजमोर की कल्ट का और 9H हार्डनेस सेफायर ग्लास मिलता है, डेफिनेटली मिलता है नहीं मिलता वो चेक करेंगे, 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है यहाँ पे और कुछ स्पेसिफिकेशंस और लिखी हुई है। जिंक अलॉय की बॉडी है यहाँ पे जो कि काफी प्रीमियम फील होगी हाथों पे आपके, 10 दिन का वर्किंग टाइम मिलता है आपको और कॉलिंग और म्यूजिक इनेबल्ड है ये, AI वॉइस असिस्टेंट के साथ मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड, 6 मेन्यू स्टाइल मिलते हैं तो ये भी काफी अच्छी बात है। जो लोग मतलब मल्टीपल मेन्यू स्टाइल वाली वॉच ढूंढ रहे हैं उनके लिए काफी बेटर हो सकती है। स्प्लिट पेज का ऑप्शन मिलता है, हेल्थ स्वीट और यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज भी सपोर्ट करती है ठीक है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे मेड इन इंडिया है, देखो यहाँ पे मेड इन इंडिया है, कंट्री ऑफ ओरिजिन यहाँ पे प्रॉपरली इंडिया लिखा हुआ है, 6999 रुपीज के प्राइस ब्रैकेट में मिलती है, बट आपको अगर इसको बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जाके आप चेक कर सकते हो। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, इस तरीके की यूनिक अनबॉक्सिंग आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। वैसे आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लो और हमारा टेलीग्राम जो चैनल है टेकपोक उसको भी ज्वाइन करना मत भूलना, आपको स्क्रीन पर फ्लैश होता दिख रहा होगा तो ज्वाइन कर लो गाइस ठीक है। इस तरीके की पैकिंग मिलती है यहाँ पे, एक और आपको मिल जाती है सील, इसको हम साइड कर लेते हैं, इसको भी यहाँ से साइड कर लेते हैं, कोई भी आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, मतलब अलग से सीजर वीजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से खुल जाता है ये। तो गाइज़ देखें यहाँ पे कि बाद में देखें, तो चलिए अभी देख लेते हैं यहाँ पे ये री वॉच इटसेल्फ और गैज काफ़ी ज़्यादा लुक में डिफरेंट लग रही है ठीक है। तो इसको निकालते हैं, कैसे निकलेगी, ओके तो ये री वॉच इटसेल्फ इसको रखते हैं साइड में और चीज़ चेक करते हैं यहाँ पे। तो गैज़ यहाँ पे मेरे को वायरलेस चार्जर चेक करना है एक्चुअली इसका मेन, तो यहाँ पे अलग से आपको वायरलेस चार्जर मिलता है और एक ही आपको ये वारंटी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, 1 ईयर की वारंटी मिलती है, 365 डेज़ की आपको वारंटी मिल जाती है इस वॉच पे इटसेल्फ ठीक है, आप चेक कर सकते हो। और गाइस ये रहा आपका वायरलेस चार्जिंग वाला केबल ठीक है, तो गिजमोर की यहाँ पे गिजफिट 954 करके है कुछ, और यहाँ पे चेक करते हैं कितना यहाँ पे, ओके बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्नग फिट नहीं है, मतलब मैग्नेट है बट उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है यहाँ पे ठीक है। तो चलिए इस सबको साइड में रखते हैं और अपनी वॉच पे आते हैं। सो गाइज़ ये री वॉच इटसेल्फ काफ़ी प्रीमियम लग रही है, एल्युमिनियम केसिंग मिलती है पूरी की पूरी और यहाँ पे आपको एक एक्शन बटन मिल जाता है और यहाँ पे स्पीकर का वेंट है, बट ये स्पीकर एक्चुअल में स्पीकर नहीं है बट ये डिज़ाइन दे रखा है दैट साइड, स्पीकर एक्चुअल में इधर की साइड है नीचे की साइड ठीक है। और ये आपको लूप टाइप का स्ट्रैप मिल जाता है, काफ़ी सॉफ्ट है और वैसे 22mm है, देखो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, आफ्टर मार्केट का कोई सा भी इसमें आप लगा सकते हो, चाहो तो स्टील वाला स्ट्रैप भी इसमें लगा सकते हो काफ़ी अच्छा लगेगा, तो ये भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इसका ठीक है। और यहाँ पे हम इसको निकालते हैं, ओके तो यहाँ पे आपको 1.52 इंचेस की TFT LCD डिस्प्ले मिलती है आपको देखने के लिए, यहाँ पे पीछे ग्लास्टिक बैक मिल जाता है इस तरीके से, गिजमोर की ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ पे लिखा हुआ है कल्ट गिजमोर कल्ट करके ठीक है। और यहाँ पे सेंसर डेडिकेटेड है कि नहीं वो हम चेक कर लेंगे फिलहाल ठीक है। तो गैज़ चलिए इसको हम ऑन करते हैं, फर्स्ट ग्लास लेते हैं इसका, इससे ऑन होगी, नो गैज़ इससे ऑन नहीं होगी। और गैज़ एक अच्छी बात है कि यहाँ पे जो क्राउन किया ना इसमें टकटक की आवाज़ नहीं आती है, उसके बावजूद प्रॉपरली वर्क करता है, सुपर स्मूथ है बेसिकली ये वाला, देखो क्राउन बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है इसमें, ये बटन टैप होती है और ये वाली भी टैप होती है ठीक है। तो गैज़ यहाँ पे ऑन कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे नीचे वाली बटन को आपको टैप एंड होल्ड करके रखना है और एक लाइक तो बनता है गैज़, एक सिंपल सा लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए। तो यहाँ पे गिजमोर की ब्रांडिंग आ चुकी है और मैं आपको डिस्प्ले का रेशियो दिखाऊंगा, यहाँ पे काफ़ी अच्छा है गाइस, ब्लैक बॉर्डर हैंड जरूर बट थोड़ा सा और यहाँ पे एक्सटेंड कर देती गिजमोर तो और ज़्यादा बेटर था। यहाँ पे वॉच फेस वन सेकंड यहाँ पे इस तरीके से चेंज कर सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइफ लाइक लगते हैं, वैसे ये ब्लैक वाला काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे समर जो आता है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लुक में बेटर आता है, अगर एमोलेड होती ना तो और कमाल हो जाता है वैसे, बट डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। पीक ब्राइटनेस अभी मैं यहाँ पे आपको फुल करके दिखाता हूँ, देखो तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट भी आती है वॉच और डिस्प्ले क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। पिक्सल साइज़ काफ़ी अच्छा है इसका, मतलब 360 पिक्सल से ऊपर का आपको रिजोल्यूशन मिलता है, तो काफ़ी यहाँ पे ब्राइट डिस्प्ले और साथ में पिक्सल साइज़ भी बेटर दिया गया है। 38% बैटरी है अभी इसकी ठीक है, इस तरीके से एनालॉग डिजिटल वाले आप चेंज कर सकते हो। कितने मिलते हैं वॉच फेस, यहाँ पे टैप एंड होल्ड करके रखते हैं, यहाँ से आएंगे कि नहीं आएंगे, तो गाइस टैप एंड होल्ड करके चेंज नहीं हो रहे मेरे ख्याल से, वॉच फेस आपके इस क्राउन से ही चेंज होने वाले हैं। इस पर टैप करते हैं यहाँ पे ऑफ हो जाती है वॉच और इस पर टैप करके आपका मेन्यू खुल जाता है ठीक है, इस पे टैप करके आपको स्पोर्ट्स मोड खुल जाते हैं। यहाँ पे स्मूथ है गाइस, यहाँ पे 60Hz का सैंपल रेट तो यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है वॉच मतलब बॉक्स पे, बट यहाँ पे इसमें दिया गया है तो ये काफ़ी अच्छा है ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से डबल टैप करके मेरे ख्याल से ओके हाँ मेन्यू को चेंज कर सकते हो, तो गाइस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है डेफिनेटली देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरीके से और इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो
देखो तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, यहाँ पे लैग नहीं कर रहा है, और ये आई वॉच वाला मेन्यू इस तरीके से काम करता है इसका, ठीक है। और ज़्यादा छोटा करना, इस तरीके से आप छोटा कर सकते हो, डबल टैप करके वापस से आप जॉन्स आपको लगाना है वो लगा सकते हो। अब गाइस यहाँ पे टॉगल मेन्यू टोटली डिफरेंट है, अदर वॉचेस में आपको अलग मिलता है, इसमें आपको अलग मिलता है। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल रहे। यहाँ पे टोटली डिफरेंट है, यहाँ पे D&D मोड मिल जाता है, यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल है, सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे अभी देखेंगे सिंगल ब्लूटूथ है, डबल ब्लूटूथ है। यहाँ पे यू आर QR कोड RD फिट एप्लीकेशन करके कोई है, उसको आपको इंस्टॉल करना है, और यहाँ पे डायल इज लॉक्ड, तो यहाँ पे लॉक हो चुका है, इसको आपको अनलॉक करना है, इस पर टैप करना है। और यहाँ पे ये क्या है, आई डोंट नो, यहाँ पे क्या पता स्क्रीन वेक का ऑप्शन हो। यहाँ पे स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, 6x मैनी स्टाइल मिलते हैं, मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, इस बटन से भी चेंज कर सकते हो, वैसे चाहो तो आप इधर से भी आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हो जाके, ठीक है। और वापस यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे आपको अलार्म लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, यस वॉच में आप अलार्म लगा सकते हो। अभी हम देखेंगे यहाँ पे रिंग करेगा या वाइब्रेट करेगा सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेटिंग पे चलते हैं, सेटिंग में आपको टर्न्स ऑफ चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन ऑफ टाइम यहाँ पे सेट कर सकते हो, कितने टाइम तक आपको स्क्रीन इसको ऑफ रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ओके ऑलवेज ऑन भी रख सकते हो चाहो तो, जैसे मैंने ऑलवेज ऑन कर दिया है। यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल आप चेक कर सकते हो, और ऑलवेज ऑन सेटिंग यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो, चाहो तो इसको ऑलवेज ऑन भी रख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा बैटरी जाने वाली है, ध्यान रखना। ऑलवेज ऑन इसमें स्क्रीन वेक का ऑप्शन मिलता है, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के वॉच फेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी हम चेक करेंगे वॉच फेस है कि नहीं ऑलवेज ऑन वाले। देखो यहाँ पे की डेफिनेशन, इसको आप यहाँ पे प्रोग्राम भी कर सकते हो। यहाँ पे अभी किस पे है, एक्सरसाइज मोड पे, बेसिकली ये वाले को प्रोग्राम कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते, बाय डिफॉल्ट इस पे ऑफ ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो कोई और भी कॉल वाला ऑप्शन भी लगा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार लगा लेता हूँ कॉल वाला ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आपका कॉल वाला आया नहीं, एक्चुअली आई थिंक ये वाला इस पे आएगा कॉल वाला। नो गाइस, यहाँ पे लगाने के बाद भी नहीं आ रहा है, एक्चुअली चेक करते हैं। यहाँ पे की डेफिनेशन पे वापस जाते हैं, यहाँ पे ओके ओके, मैंने यस नहीं किया था ना, अब यहाँ पे कॉल लगेगी देखो प्रॉपरली, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे इसको कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे वाइब्रेशन इंटेंसिटी आप बड़ा घटा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। और डू नॉट डिस्टर्ब मोड मिल जाता है, यहाँ पे पासवर्ड सेटिंग का ऑप्शन भी मिलता है, तो यहाँ पे पासवर्ड भी आप लगा सकते हो। अभी मैं लगा के नहीं दिखाऊंगा, वैसे आप लगा सकते हो, टाइम सेटिंग यहाँ से भी कर सकते हो। और यहाँ पे फ़ोन कनेक्ट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे जो एप्लीकेशन है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट भी यहाँ पे आप सेव ऑन कर सकते हो, और रिबूट है, पावर ऑफ है, अबाउट है, फैक्ट्री रिसेट है। बट यहाँ पे मेरे को कहीं भी जो मोड चेंज करने का, साउंड मोड चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो गाइज़ ये है आपके सामने, राइट साइड में स्वाइप करते हैं, शॉर्टकट में जाते हैं, यहाँ पे काफ़ी स्मूथ नज़र आती है वॉच ये फर्स्ट ग्लैंस में तो। और साथ ही में यहाँ पे आपको और भी शॉर्टकट ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, इवन आप गेम भी ऐड कर सकते हो। यस, इसमें आपका गेम के साथ साथ आपको कैलकुलेटर भी देखने को मिलता है, यस आपने सही सुना, इवन कैलेंडर भी देखने को मिलता है। तो गाइस काफ़ी चीज़ें इसमें, लेफ्ट साइड में आपको ये विजेट्स मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है, एक यूनिक मतलब टच दिया गया है, एप्पल की वॉच को रिजेंबल करने का कोशिश किया गया है यहाँ पे, मतलब कॉपी की गई उस तरीके से, देख सकते हो एप्पल का पूरा लुक लग रहा है इसका, ठीक है। यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे आपका ये जो कैलेंडर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है प्रॉपरली, तो ये भी काफ़ी अच्छा है मेरे को लगा। अब गाइस यहाँ पे हम एप्लीकेशन से तो बाद में पेयर करेंगे, वैसे हम यहाँ पे एक एक करके सारी की सारी चीज़ चेक कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा हो जाएगा रिव्यूज़ का, बट आपको सारी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वैसे आज मैसेज मिल जाता है, डायल पैड मिल जाता है ऑप्शन, आपको कॉन्टैक्ट यहाँ पे सेव कर सकते हो, अभी मैं चेक करेंगे कितने कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हो। कॉल लॉक्स देख सकते हो यहाँ पे, स्पोर्ट्स मोड, यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड भी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे देख सकते हो टर्न्स ऑफ स्पोर्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पीडोमीटर का ऑप्शन मिलता है, स्लीप ऑप्शन मिल जाता है, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, अभी हम चेक करेंगे सॉन्ग सुन सकते कि नहीं सुन सकते वॉच में, और हार्ट रेट मीटर मिल जाता है, हार्ट रेट कोड दे चेक कर दें एक बार, बताएगा कि नहीं बताएगा, नहीं बता रहा है, देखते हैं। यहाँ पे सेंसर है, ओके एक ही सेंसर चल रहा है। और एक चीज़ बताना भूल गया, आप सभी को बताया था, यहाँ पे फ्लैट डिज़ाइन मिलता है डिस्प्ले का, देखो यहाँ पे कर्व्ड नहीं है, फ्लैट डिज़ाइन है बेसिकली, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपका हार्ट रेट के बाद SPO2 मोटर मिल जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं बता रहा है। अब एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे सेंसर है एक्चुअली में, नो गाइस सेंसर नहीं है, सिंगल सेंसर के साथ ये वॉच आती है। वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है, उसके बाद आपको कैलेंडर का ऑप्शन मिलता है, और वेदर का ऑप्शन मिलता है, ब्रीथ रिलैक्स मोड का कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाता है, टाइमर का ऑप्शन मिलता है, स्टॉप वॉच का ऑप्शन मिलता है, फाइंड माय फोन का ऑप्शन मिलता है, मोशन ट्रैकिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है इसमें आपको, और गेम्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, गेम आपको एक ही मिलता है फ्लैपी बर्ड, इसमें मैंने खेला था एक्चुअली, और इसमें अच्छी तरीके से काम करता है, मतलब मैक्सिमम जो वॉचेस होती है उसमें अच्छी तरीके से काम नहीं करता, बट इसमें प्रॉपरली मैं खेल सकता हूँ। कैमरा शटर मिल जाता है, अलार्म आप यहाँ पे लगा सकते हो, एम्बिएंट साउंड जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कितने डेसिबल तक का साउंड प्रोड्यूसर यहाँ पे अब बता सकता है ये वॉच, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को फीचर इसमें। और गाइस उसके बाद सेटिंग का ऑप्शन आता है, तो सारे के सारे फीचर को कवर किया गया। अब इसको पेयर करते हैं RD फिट एप्लीकेशन से, ओके अभी पेयर हो रही है, ओके अब आ चुकी है, देख सकते हो वहाँ पर अभी बैटरी को अपडेट होने में टाइम लगेगा मुझे लग रहा है। यहाँ पे मोर पे चलते हैं, तो यहाँ पे पॉइंटर वाले डायल्स बहुत सारे मिल जाते हैं आपको, तो डायल भी अच्छे अच्छे हैं गाइस यहाँ पे, ऐसा नहीं कि मतलब कार्टून टाइप के मिलते हैं, आपको डायल भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं इसमें, तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा।
और अभी लोड हो रहा है एक्चुअली, मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है इसीलिए मतलब थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वैसे तो यहाँ पे डायल वॉच फेस बहुत सारे मिलते हैं, एक गाइस वॉच फेस तो टर्म्स ऑफ मिल जाते हैं, यहाँ पे डिजिटल टाइप के, यहाँ पे कस्टमाइज भी आपको मिल जाता है, कस्टमाइज पे हम इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे हम चेंज बैकग्राउंड करते हैं, यहाँ पे स्टोरेज नेक्स्ट, यहाँ पे अलाउ, अब अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगाते हैं। सो गाइस यहाँ पे ये वाली पिक को लगा के देखते हैं एक बार, यहाँ पे डन करते हैं और यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो बैकग्राउंड कैसा रखना है आपको। तो ये भी अच्छा है गाइस, कस्टमाइज़ करने का पूरा ऑप्शन मिल जाता है इसमें आपको, तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। ये वाला थोड़ा सा इससे मैच कर रहा है बैकग्राउंड के साथ, इसको ही लगा लेते हैं, डन करते हैं। सो गाइस यहाँ पे एक अपडेट भी आ चुका है, एक बार करते हैं यहाँ पे अपडेट करते हैं, यहाँ पे लेगेसी वर्जन न्यू वर्जन देखते हैं यहाँ पे। तो गाइस ये अपडेट हो चुकी है और रिस्टार्ट हो जाएगी, आपको चेक नहीं करना है, कुछ नहीं करना है और ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगी। अभी देखो डिसकनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे फर्मवेयर वर्जन V1.11 है, तो यहाँ पे रिस्टार्ट हो चुकी है देख सकते हो ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली पेयर भी हो जाएगी, आपको टच नहीं करना है। देखो पेयर हो चुकी है और V1.16 आ चुका है। यहाँ पे कुछ वॉच फेस चेंज हुए हैं? नो गाइस, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है और मेरे ख्याल से यहाँ पे ये भी सेम ही है। देखो यहाँ पे भी कुछ चेंजेस नहीं हुए फिलहाल, तो वही है, ठीक है। और टाइम सही हो गया क्या? देखो टाइम एकदम सही हो गया है, 10:30 हो रहा है। यहाँ पे हम अलार्म भी लगा के देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे इधर की साइड से थोड़ा सा नीचे चलेंगे, यहाँ पे अलार्म लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा हमको, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अलार्म लगाते हैं, कितना हो रहा है, 10:30 का लगाते हैं। तो यहाँ पे जल्दी करते हैं, 10:30 होना चाहिए कहीं, ओके डन इनेबल। तो 10:30 PM का लग चुका है, देखते हैं अभी बजेगा, रिंग करेगा, वाइब्रेट वो हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो गैस यहाँ पे मोर पे वॉच फेस मैंने आपको दिखा दिए थे, बट हम यहाँ पे अपना पिक अपनी पिक वैसे वॉच फेस लगा रहे थे, तो वो ओके प्रॉपर रिंग कर रही है गैस, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो गैस यहाँ पे इसको लगाते हैं पिक को, और ये वाला डिज़ाइन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था, तो इसको डन करते हैं यहाँ से, ठीक है। टाइम को इधर थोड़ा सा खिसका देते हैं नीचे को, और यहाँ पे सेव करते हैं। सो गाइस यहाँ पे फाइनल लग चुकी है, यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेटर लग रही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अंदर को आ गया है वॉलपेपर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे काफ़ी अच्छी लग रही है वैसे ये, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हो अच्छे से। यहाँ पे नोटिफिकेशन एक्सेस है और यहाँ पे अलाउ करना है आपको, दैट्स इट। यहाँ पे चेक ऑल पे करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको RD फिट को आपको अलाउ कर देना है। अब गाइस यहाँ पे और चीज़ मिल जाती है, जैसे कि टेक पिक्चर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे ऑन कर सकते हो, फाइंड डिवाइस का ऑप्शन मिलता है, वॉच वाइब्रेट होने स्टार्ट हो जाती है, रिंग नहीं होती है, ड्रिंक वाटर रिमाइंडर मिल जाता है, और रिमाइंडर्स वाइब्रेशन प्लस स्क्रीन इल्यूमिनेशन या वाइब्रेशन ऑनली रखना है, तो ये आप चूज़ कर सकते हो जब आपकी नोटिफिकेशन आएंगे, ठीक है। स्क्रीन ऑन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। अलार्म कॉल क्लॉक रिमाइंडर मिल जाता है, मोशन गेस्टर का ऑप्शन मिलता है, ओके रेस्ट वेक बेसिकली है ये, और हार्ट रेट मॉनिटरिंग ऑन ऑफ कर सकते हो, फर्मवेयर अपडेट जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वेदर अपडेट्स में जाते हैं, कॉन्टैक्ट्स आप कितने सेव कर सकते हो वो चेक करते हैं। सो गाइस बेसिकली एक एक करके सेव हो रहे हैं इसमें कॉन्टैक्ट्स, वैसे बहुत सारे आप सेव कर सकते हो मेरे ख्याल से, अब एक एक करके मैं करता रहूँगा तो क्या पता इसमें 100 सेव होते हो, बट अभी फिलहाल इसमें बहुत सारे सेव कर सकते हो, वो ऑप्शन है। तो ये सारी सारी चीज़ें यहाँ पे माई प्रेफरेंस का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे होम पेज मिल जाता है इस एप्लीकेशन का, बेसिकली हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, यहाँ पे स्पोर्ट्स, सारा सब कुछ यहाँ पे काउंट करता है। सो गाइस इसमें डबल ब्लूटूथ चिप कनेक्टिविटी मिलता है, आप देख सकते हो यहाँ पे सिंगल चिप कनेक्टिविटी नहीं है, और एक इशू मेरे को लगा ये वाला, कॉल मिल गई यहाँ पे वो मेन्यू नहीं आ रहा है, लाउडनेस ठीक है, बढ़ाते हैं थोड़ी सी इससे, फुल है यहाँ पे। अब मैं ये भी नहीं चेक कर सकता यहाँ पे ट्रांसफ़र का ऑप्शन है कि नहीं, तो मैं एक शॉर्ट लेके आ जाऊँगा अलग से, फिलहाल तो यहाँ पे ये आ रहा है एक्चुअली, आई डोंट नो यहाँ पे कट यहाँ से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। वैसे सॉन्ग सुन पाओगे इसमें, मैं सॉन्ग सुना के दिखाता हूँ एक बार आपको। यस गाइस सॉन्ग सुन सकते हो यहाँ पे, और म्यूज़िक दिखा रहा है दैट्स इट, इसमें एज सच कोई नाम नहीं आ रहा है सॉन्ग का, ठीक है। प्ले पॉज कर सकते हो यहाँ पे, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, और यहाँ पे इस तरीके से नेक्स्ट प्रीवियस भी कर सकते हो, तो यहाँ पे सॉन्ग सुन सकते हो वॉच में इटसेल्फ, ठीक है। ये तो हो गई सारी सारी चीज़ें, अब एक काम करते हैं इसकी एक्यूरेसी, हाँ एक्यूरेसी भी चेक करनी थी ना, तो वो हम चेक करते हैं एक बार। यहाँ पे हार्ट रेट SPO2 की तो हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम यहाँ पे स्टेप्स काउंटिंग की जो एक्यूरेसी वो चेक करते हैं, यहाँ पे वॉकिंग करते हैं, और यहाँ पे मेरे पास एप्पल की वॉच है तो इससे हम एक बार कर लेंगे, तो 50 स्टेप चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कैसी क्या एक्यूरेसी मिलती है इसमें। सो 60 स्टेप्स मैं चले यहाँ पे, और यहाँ पे स्टेप्स कहाँ हैं, 86 दिखा रहा है, और यहाँ पे 67 दिखा रहा है बेसिकली, ठीक है। तो 60 स्टेप्स चले एग्जैक्टली मैंने, ठीक है, इस तरीके से मिल जाता है आपको एक्यूरेसी, बहुत ज़्यादा बेटर नहीं कहूँगा, यहाँ पे स्टेप्स काउंटिंग की एवरेज ही मिलती है कह सकते हो आप, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे ये तो हो गया, अब एक काम करते हैं यहाँ पे कॉल मिला के देखते हैं कैसे क्या, मतलब कॉल आती तो यहाँ पे रिंग वाइब्रेट या म्यूट होता है, मतलब क्या कर सकते हो आप। सो गाइस मैंने कॉल मिला दी, देखते हैं यहाँ पे नंबर आता है कि नाम शो करता है,
तो यहाँ पे रिंग भी हो रही है और वाइब्रेट भी हो रहा है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। वाइब्रेट को आप ऑफ कर सकते हो, पूरा म्यूट करने का ऑप्शन नहीं है मेरे ख्याल से, यहाँ से कट करने का ऑप्शन है और वहाँ पे उठाने का ऑप्शन आता है। तो इस तरीके से बेसिकली आपको मिल जाता है यहाँ पे प्रॉपर्ली। और अब एक काम करते हैं, हाथ पे पहनते हैं और ऑक्सीमीटर के साथ एक्यूरेसी टेस्ट कर लेते हैं इस वॉच की, ठीक है। वॉच गाइस काफ़ी अच्छी लग रही है हाथ पे, देखो मेरे मीडियम रिस्ट में, उस पर भी काफ़ी अच्छी लग रही है वॉच, ठीक है, एकदम स्नग फिट आ रही है। इवन 1.52 इंचेस की मैसिव बड़ी डिस्प्ले मिलती है। तो गाइस यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम दोनों में ही चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे हार्ट रेट चेक करूँगा और उसमें भी हम चेक कर लेंगे हार्ट रेट, ठीक है। ये रहा हार्ट रेट एप्पल की वॉच में, और यहाँ पे इसमें भी हम चेक कर लेते हैं हार्ट रेट, ठीक है, और ऑक्सीमीटर भी पहन ही लेते हैं, ठीक है, सही रहेगा। यहाँ पे स्किप डन करते हैं, ठीक है, और ऑक्सीमीटर में रिजल्ट भी आ चुका है, 79 दिखा रहा है हार्ट रेट हमारी, और एप्पल वॉच में 80 दिखा रहा है, क्लोज टू एक्यूरेट मिलती है। और यहाँ पे 74 दिखा रहा है, 78 यहाँ पे है, 79 पे स्टक हो चुकी है, दैट्स इट, और यहाँ पे 80 पे स्टक हो चुकी है। तो गाइस एप्पल की वॉच काफ़ी एक्यूरेट है, इसकी ये वाली तो मतलब एवरेज से भी बिलो मिलती है, एक्यूरेसी लेवल डाउन है डेफिनेटली इसका। तो गाइस ये वॉच वैसे उन सब के लिए बेटर है जो मतलब एप्पल सीरीज वॉच 8 अल्ट्रा के राउंड डायल के शौकीन है, बेसिकली काफ़ी फीचर रिच वॉच है, गेम्स, कैलेंडर, कैलकुलेटर सब कुछ मिल जाता है इसमें आपको, और कॉन्टैक्ट भी बहुत सारे सेव कर सकते हो, रिंग प्लस वाइब्रेट करती है ऑन कॉल्स यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, रोटेटेबल क्राउन का ऑप्शन है, एक एक्शन बटन मिल जाती है, तो हाथ आप पहनोगे ना अपने हाथ पे तो दोस्त आपके कहेंगे कि ये कौन से यूनिक वॉच ले आए हो आप। तो गाइस ये 4000 रुपये की मिल रही है, वैसे आपको बेस्ट वैल्यू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप इसको जाके ग्रैब कर सकते हो वैसे, ठीक है। और अगर किसी को बाय करना है तो मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो गाइस ये था एक डीप डाउन रिव्यू अनबॉक्सिंग गिज़मो कर्ल्ड का। अगर आपका क्वेरी इस वॉच से रिलेटेड कुछ भी रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।